बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के केंद्र बिंदु में एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन में बार बार कह रहे हैं कि लोगों के बीच लालू राबड़ी शासनकाल के दौर में राज्य में फैले डर और भ्रष्टाचार की बातों को याद दिलाया जाए। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर उनके विरोधियों ने उन्हें पोस्टर के माध्यम से घेरते हुए उनकी 73 संपत्तियों का विवरण दिया है। कई जगह ये पोस्टर खास आरजेडी के उस पोस्टर के बगल में लगाए गए हैं जिनमें लालू को महानायक बताया गया है। पटना की सड़कों पर लगाए गए इन पोस्टरों की सुबह से ही चर्चा है। पटना में लगे इन पोस्टरों में लालू के 73वें जन्मदिन के मौके पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने 73 साल में 73 अकूत संपत्ति की संख्या तैयार की है। इस पोस्टर की टैगलाइन है, लालू परिवार का संपत्ति नामा, 73वें जन्मदिवस पर 73 संपत्ति श्रृंखला। दरअसल इस पोस्टर में 73 ऐसे संपत्ति अर्जित करने का आरोप है जो लालू ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार करके कमाया है। इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव समेत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की तस्वीर भी है। आपको बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और एक बात साफ है कि विधानसभा चुनाव इस बार भी लालू प्रसाद यादव के नाम के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो लालू राबड़ी शासनकाल के 15 साल की तुलना उनके 15 साल के शासनकाल से करके लोगों को जागरूक बनाएं। न्यूज़ डेस्क।